One more minute. One minute. Started from. Yes, so on three-dimensional space में there are other things the formulation drive करते हैं vector position three-dimensional space में देखिए अपन जैसे सब तो एक ही है इसका और इसका formula तो इस बार आज last term देखेंगे अपन vector का फिर तब से exercise start होगी अगर जास्ट term खत्म हो गया तो ठीक है तो ये हो गया the cube okay मिडिल ड्राइंग यहाँ पे एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये क्या ग्रेड ठीक है तो ये जो प्लेन है जो प्लेन के अंदर हमने क्या किए थे हम यहाँ पे पॉइंट ले लो इसका नाम तो पॉइंट की इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे एक्स वाई जेड है ना एक्स वाई जेड यहाँ पे ओरिजिन था इसका देखिए अलग अलग इसको टेस्ट करा था जो फेसबुक के साथ किए थे तेरे अपने यस व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट यहाँ पे सिर्फ कोऑर्डिनेट्स देख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ए लिया था यहाँ पे बी लिया था और यहाँ पे सी बाद में ये एल एम और ये एफ राइट यस और इसी कोऑर्डिनेट्स के थ्रू ये मिल रहा है जैसे में अब ये पॉइंट ए जो है काम रिप्रेजेंट इट इज प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे इसके हिसाब से कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे एक्स एक्सिस का खाली एक्स का कोऑर्डिनेट बाकी कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे जी उसके बाद हम बी के निकालेंगे तो बी का प्रेजेंट है वाई एक्सिस पे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जीरो वाई जीरो सिमिलरली सी का प्रेजेंट है जेड एक्सिस पे तो सी की कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जीरो कॉमा यस व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट वन जीरो कॉमा इतना रेड उसके बाद ये जैसे मैंने बताया ये जो पॉइंट एल है एक्स वाई प्लेन में होने की वजह से इससे कोऑर्डिनेट करेंगे खाली एक्स और वाई का रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा जीरो उसी तरीके से एम को अगर देखेंगे तो एम ये वायलेट प्लेन में है तो इसके कोऑर्डिनेट करेंगे एक्स का कोऑर्डिनेट जीरो वाई और जेड का कोऑर्डिनेट सिमिलरली एन को अगर देखेंगे तो एन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे इट इज प्रेजेंट एट एक्स जेड एक्सिस तो जैसे एक्स का एक्स वाई का जीरो और जेड का ये पॉइंट दिया सिस्टम और वाई का होगा चल अपना इंटीरियर भी हो गया था और इसमें कुछ बिट्स भी हो गए थे कौन से कम लेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है तो सबसे पहले था डिस्टेंस ऑफ पी ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स प्लेन प्लेन से क्या डिस्टेंस है ये पॉइंट की का पी ऑफ एक्स कॉमा वाई का होंगे अगर से स्पेस में क्या था पॉइंट है तो ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन का तो कौन सा प्लेन एक्स वाई प्लेन से क्या डिस्टेंस रहेगा ये पॉइंट का डिस्टेंस ये वाई जेड प्लेन से क्या डिस्टेंस रहेगा और ये पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स जेड प्लेन से कितना रहेगा ये अपन निकल देखें तो शॉर्ट में खाली चल देखे वाला है तो सबसे पहले डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस कहाँ से देखेंगे अपन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स वाई प्लेन तो पहले मैंने तुमको शॉर्टर बताया था इसमें कैसे रखेंगे इसका डिस्टेंस यार एक्स वाई प्लेन से देखें आप तो एक्स वाई प्लेन में कौन है पॉइंट एल है इसे अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पी एल तो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट कौन सा है एल है उसके अकॉर्डिंग क्या है एक्स वाई जीरो तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस एक्स में से एक्स गया जीरो वाई में से वाई गया जीरो जेड माइनस जीरो मतलब कितना हो गया मॉड जेड तो डायरेक्टली इक्वल टू मॉड जेड सिमिलरली सेकेंड थिंग इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट टी फ्रॉम एक्स वाई जीरो कौन सा प्लेन है वाई जेड प्लेन तो देखो वाई जेड प्लेन में कौन सा पॉइंट है देखेंगे कितना मिला एग्जैक्ट प्लेन में सबसे पहले पॉइंट क्या है एन है और डिस्टेंस देखा एक्स में से एक्स गया जीरो वाई में से जीरो गया वाई जेड में से जीरो गया जेड तो फिर कितना आ गया मॉड ऑफ पाई निकल हो गया था आपका है ना ऐसे याद रखेंगे इसको उसके बाद अपन फिर ये पॉइंट कर लो अपना कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस स्पेस में समझिए पॉइंट कहीं भी रहेगा यहाँ रह सकता है यहाँ रह सकता है यहाँ रह सकता है वॉट एवर में भी
तो जब ये पॉइंट पी स्पेस में कहीं भी अगर है तो ये पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, 0, 0, 0, ये डिस्टेंस निकालने का है। सो नेक्स्ट स्टडी इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है और कहीं निकालना है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम। तो पहले तो शॉर्ट में हम ऐसे नहीं कर सकते, पॉइंट पी प्रेजेंट है, इसके डिस्टेंस ओरिजिन से देखेंगे तो x माइनस जीरो x, y माइनस जीरो y, z माइनस जीरो z। तो डायरेक्ट हम लेंथ ऑफ ओपी जो है ये फॉर्मूला होगा, लेंथ ऑफ ओपी का अंडर रूट में x माइनस जीरो x स्क्वायर, y माइनस जीरो y स्क्वायर, z माइनस जीरो z स्क्वायर। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी ले सकते, और अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है ये आया कैसा उसको अपन डिराइव कर सकते हैं ना, जिससे अपन हमेशा फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये पॉइंट पी का डिस्टेंस ये पॉइंट ए से, सॉरी ये पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, x माइनस जीरो x स्क्वायर, y माइनस जीरो y स्क्वायर, z माइनस जीरो z स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ ओपी इज नथिंग बट अंडर रूट पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो अगर से तुम्हारा इंटरेस्ट है ये आया कैसा ये फॉर्मूला, तो अपन ये फिगर के हिसाब से अपन उसको निकाल सकते हैं अगर उससे इंटरेस्ट है तो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो, ये तो फॉर्मूला होगा सिंपल याद रखेंगे ये, और अगर से किसी का इंटरेस्ट है आया कैसा तो देखो उसके लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये होगा पी के कोऑर्डिनेट्स x, y और z। सबसे पहले ओरिजिन को ज्वाइन करो पॉइंट पी से, इसको ज्वाइन करो पॉइंट ए से। तो ऐसे करने से सबसे पहले ये ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल ओ एल पी है ना, ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ओ एल पी, जो कि सबसे पहले इन ट्राइंगल ओ एल पी, इन ट्राइंगल ओ एल पी हम क्या करेंगे, राइट एंगल रूल थोड़ी देर पर ओ पी स्क्वायर, हम कॉपी निकालने का है ना, इसके हम क्या करें कॉपी निकालने के लिए ओ को पी से ज्वाइन करें और ये ओ टू एल से, ऐसा करने से ट्राइंगल मिला। तो ये ट्राइंगल में ओ पी का स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल का स्क्वायर प्लस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू मालूम है अपने को ना, जैसा हमको अगर से ओ ए अगर से दीवार है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे है ना, ओई का, तो ओई का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, एक्स माइनस जीरो मतलब कितना एक्स स्क्वायर है, हमको अगर से ओ ए ओ बी और ओ सी अगर से पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल में अपनी क्या निकालिए, ओ एल स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर निकल गया ओ की। आप क्या करेंगे ये ट्राइंगल कैसे करो, तो जिसमें हमको ओ ए की वैल्यू निकालने का है तो ओ ए के लिए एक ट्राइंगल कैसे करें, इन ट्राइंगल ओ ए एल क्या है दोनों कोई से, ओ एल स्क्वायर की वैल्यू करेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए एल, ये ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए एल, ओ ए की वैल्यू क्या रहेगी, ओ एल स्क्वायर की वैल्यू ओ ए प्लस ए एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर से तुम देखेंगे तो ओ ए स्क्वायर तुमको मालूम है, इसकी तुम निकाल सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर मतलब क्या है, ओरिजिन है तो खाली एक्स माइनस जीरो मतलब क्या एक्स स्क्वायर आएगा, मगर ए एल की नहीं निकाल सकते, तो ए एल के लिए तुम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए एल इसके पैरेलल, ए एल इज पैरेलल टू ओ बी, तो इन प्लेस ऑफ ए एल यू कैन राइट हियर ओ बी स्क्वायर, एंड नाउ एल पी इसके पैरेलल देखो ये एल पी है, इससे एल पी, एल पी इज पैरेलल टू क्या होता है ओ सी के पैरेलल है, हम कहते हैं यहाँ पे ओ सी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए एल इज पैरेलल टू ओ बी, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे और कौन पैरेलल है, इससे ए एल किसके पैरेलल है, ओ बी के पैरेलल है, और नेक्स्ट थिंग इज पी एल इज पैरेलल टू ओ सी, पी एल इज पैरेलल टू। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ओ ए का डिस्टेंस आ गया, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ ओ ए, रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस सो इट्स सिंपली एक्स स्क्वायर, ओ बी का डिस्टेंस कितना आ गया, रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस दे देते हैं वाई स्क्वायर, और यहाँ पे ओ सी का डिस्टेंस कितना आ गया। सो फाइनली वी गॉट लेंथ ऑफ ओ पी, और सिंपली ओ पी इज नथिंग बट
then the OP is equal to under root of means x square plus y square plus z square. So it is a method of finding the distance of the point P, the distance of the point P from the origin. Or in short, कैसे बताया तुमको लेंथ ऑफ ओपी का डायरेक्ट फॉर्मूला तुम निकाल सकते हो अंडर रूट में x माइनस जीरो का स्क्वायर x स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर और फिर माइनस जीरो का ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला ऐसे भी अंदर सकते और किसी का इंटरेस्ट है ये आया कैसा उसके लिए फॉर्मूला और इसका क्या है ऐसा हम लिख सकते यस डायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी तुम याद रख सकते इसका लेंथ ऑफ ओपी या फिर इसको अपन डिराइव कर सकते ये फॉर्मूला कौन सा सिंपल है डिराइव करना सिंपल है ये याद रखना जस्ट टेल मी नाउ आगे समझ लो तुम बोलो जल्दी फास्ट ये क्या था डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ये कांसेप्ट है इसको समझना था इसको कांसेप्ट समझना था उसके लिए बताया अदरवाइज तुम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा ओके अच्छा बहुत वेरी गुड अब प्रोसेस टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट तो ये हो गया P का डिस्टेंस x y प्लेन से मॉडेट P का डिस्टेंस y z प्लेन से मॉडेट और P का डिस्टेंस इन शॉर्ट याद रखो ना x y प्लेन में कौन ऑप्शन है z मॉडेट P का डिस्टेंस y z प्लेन में कौन ऑप्शन है x मॉडेट P का डिस्टेंस x z प्लेन में कौन ऑप्शन है y मॉडेट और ये ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब P अगर से x कॉमा y कॉमा z है तो ओरिजिन कितना है 0 कॉमा 0 कॉमा 0 x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर z माइनस 0 का ओके जबकि So, the next point is something like we have. What is the next point here? Distance of point from coordinate x axis is here. Yeah. Point peak distance, different planes here, x, y plane se ho gaya, y, z plane se ho gaya, z, x plane se ho gaya. Ye point ki distance origin se ho gaya. Ab hum kya nikalenge? Ye point peak distance डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस है मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना है फिर डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है और जेड एक्सिस से कितना सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस Distance of the point P of x comma y present from the coordinate axis. निकालो. तो अब कैसे निकालेंगे? Coordinate axis कौन सा? ये point P का distance x axis से कितना, y axis से कितना, z axis से कितना? तो simply तुम जैसे कि for example हमको निकालने का है ये distance of P है ना? तो x axis पे कौन सा point present है? A. तो हम ये point P का distance A से निकाल सकते हैं. तो simply है length of PA is equal to under root में वही कंसेप्ट जो अपन पहले यूज कर रहे क्या यहाँ पे x में से x गया मतलब कैसा x माइनस x का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला जो अपन देखा ना स्ट्रेट लाइन में टेंथ में उसी तरीके से सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हूँ x माइनस x का स्क्वायर मतलब जीरो के फिर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर तो सिंपली वी गॉट अ कंडीशन ये x में से x गया 0 y में से 0 गया y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z एकदम सिंपल याद रखने के x एक्सिस डिस्टेंस कितना है y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सिमिलरली लेंथ ऑफ PV अगर निकालने का है ये पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस है y एक्सिस पर कौन सा पॉइंट प्रेजेंट है B इसे डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे अपन PV वही कांसेप्ट है क्या है डिस्टेंस फार्मूला लगाना है अंडर रूट में अगर सिंपली याद रखो x एक्सिस से डिस्टेंस है तो x सबसेंट रहेगा इंटीग्रल टाइम आएगा y और z में रहेगा उसी तरीके से y एक्सिस में अगर रहा तो y एब्सेंट रहेगा इंटीग्रल टाइम आएगा x और z में मतलब के अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस ठीक है सिमिलरली अगर से ये पॉइंट पी का डिस्टेंस हमको z एक्सिस से निकालना तो z एक्सिस से पॉइंट क्या प्रेजेंट है c pc लेंथ ऑफ pc तो जैसे कि हम रेड के बारे में बात कर रहे हैं रेड से तो रेड ऑप्शन रहेगा मतलब कौन रहेगा ऑप्शन मतलब वाइट से कैंसिल हो जाएगा रेड में से रेड गया तो ये सारे वाइट स्क्वायर प्लस एक तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये होगा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम
wisdom of the point from coordinate axis. देखो किन चीजें हुई, पहले पॉइंट पी का डिस्टेंस डिफरेंट प्लेन से, तीन प्लेन से, फिर पॉइंट पी का डिस्टेंस ओरिजिन से, और पॉइंट पी का डिस्टेंस डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सेस से, एक्स एक्सिस से कितना, वाई एक्सिस से कितना, और जेड एक्सिस से कितना, ठीक है। अब लास्ट है क्या, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन स्पेस, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कोई दो पॉइंट अगर से स्पेस में है तो उनके बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीक इज द डिस्टेंस of the point, distance between any two points in space, distance between any two points, any two points in a space. So here, distance between any two points in a space के लिए what we require here, require here two points in a space, right? There is two points in the space, first point is a out, x1 y1 z1, and second point is a b of x2 y2 z. अब इसका डिस्टेंस निकाल, what is the formula for here, length of AB is equal to under root of, well, calculate the distance, very simple, x1 minus h2 bracket cut square plus y1 minus y2 bracket cut square plus z1 minus z2 bracket cut square. These are the formulas. Okay. So, your last point is, okay, what? Most make some point that the sign of coordinates of point in different octants. So, octants ke liye sabse pehle ye samjho, ये जो पूरा टोटल होल स्पेस है, दिस होल स्पेस इज डिवाइडेड इन ईच पार्ट, एट पार्ट है ना, जैसे कि थ्री प्लेन है, सबसे पहले स्पेस थ्री प्लेन में डिवाइड, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्सटेंड, तो ये जो टोटल प्लेन है थ्री प्लेन, टोटल स्पेस थ्री प्लेन में, उसी तरीके से ये जो थ्री प्लेन को उसने आठ पार्ट में डिवाइड किया है, और ईच पार्ट इज सेड टू बी द ऑक्टेंट। ओके, सो इन सिंपली द स्पेस इज डिवाइडेड इन eight parts and each part is said to be the आठ part में पूरे स्पेस को डिवाइड करने वाला है, और वो हर पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट। तो ये जो ऑक्टेंट, डिफरेंट ऑक्टेंट में जो पॉइंट पी की है, पी ऑफ एक्स कमा वाई कमा जेड है, तो इसके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो है, जिसके अपने को साइन देखने का, साइंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट पी ऑफ एक्स कमा वाई जेड इन डिफरेंट ऑक्टेंट्स, तो ऑक्टेंट टोटल कितने हैं, आठ है, और याद रखना वो सिंपल है, वो ऑक्टेंट की जो है ना साइन, ये जो पॉइंट पी के ऑक्टेंट याद रखना बहुत सिंपल है। तो कैसा ऑक्टेंट के लिए सबसे पहले क्या है, जेड एक्सिस इंपॉर्टेंट है, जेड से अपन लेंगे सबसे, जैसे कि पहला ऑक्टेंट क्या है यहाँ पे स्पेस का, ओ एक्स वाई जेड, कैसा ओ एक्स वाई जेड, देखो पहला ऑक्टेंट याद रखो, ऑक्टेंट याद रखना बहुत सिंपल, ओ एक्स वाई जेड। दूसरा ऑक्टेंट क्या रहेगा, आप सबको मालूम है ये जो है आगे जाने वाला है ना, ये पार्ट को अपन आगे खींचने वाले, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसके इधर गए तो क्या मिलेगा, एक्स डैश है ना, जैसा अपन यहाँ लिखते ना टू डी में, टू डी में क्या लिखते हैं, ये अगर से एक्स है तो इधर क्या मिलता, एक्स डैश, ये अगर से वाई है तो इधर क्या मिलता, वाई डैश। उसी तरीके से स्पेस में भी, थ्री डी स्पेस में, ये अगर से एक्स है इसको अपन आगे एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा, एक्स डैश, ये y है इसको अपन आगे एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा, y डैश, ये z है इसको आगे एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा, z डैश। तो उसी तरीके से यहाँ पे पहला ऑप्टेंट हो गया o x, देखो ये o x y z, उसके बाद z सब में कॉमन रहेगा खाली, इसकी पोजीशन चेंज होगी। दूसरा ऑप्टेंट o x डैश, कैसे मिलेगा, o x डैश y z, o एक्स डैश वाई सेट, ये दूसरा ऑप्शन इसके अपोजिट में, ओ एक्स डैश वाई सेट ये होगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सिर्फ आप डैश को लेके जाओ, ओ एक्स वाई डैश जेड, इसमें जेड कैसे, ऑप्शन हमेशा अपन जेड को कांस्टेंट रख के इसके आजू बाजू के पार्ट लेते हैं, है ना, जैसे कि जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, देखो तीनों में भी यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, सिर्फ बदल रखो यहाँ पे, पहले में एक्स वाई जेड, फिर क्या एक्स डैश वाई जेड, फिर क्या एक्स वाई डैश जेड, और लास्ट में क्या रहेंगे, तो ओ एक्स वाई
और ये दोनों का डैश डैश वाई डैश और जेड, तो चारों में क्या है, जेड कैसा है, सेम जेड एक्सिस को अपन कॉन्स्टेंट रखते हुए बाकी के जो है स्पेस में उनको खाली अपन इधर उधर शो कर रिमूव कर, ठीक है। तो ये होगा स्पेस में तुम्हारा, पहला ऑप्शन क्या मिला, ओ एक्स वाई जेड, दूसरा मिला ओ एक्स वाई डैश जेड, तीसरा मिला ओ एक्स वाई डैश जेड और तीसरा चौथा मिला इसका इसके साइंस, जैसे कि तुमको मालूम है एक्स वाई जेड तीनों प्लस प्लस है ना पॉजिटिव साइड, यहाँ पे क्या मिलेगा इसका साइन, एक्स डैश मतलब क्या निगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस, तो माइनस ये प्लस ये क्या मिलेगा प्लस, वाई डैश मतलब माइनस और जेड डैश मतलब प्लस, इसका साइन माइनस एक्स डैश वाई डैश मतलब माइनस और जेड डैश मतलब प्लस, ये बताया। तो ऑप्शन क्या रखना वो सिंपल है, आप ये जेड से हो गया, आप बाकी के चार ऑप्शन कैसे याद रखेंगे तुम, जैसे जैसे जेड पे हुआ उसी तरीके से नीचे क्या है तुम्हारा जेड डैश, तो इस सिंपल से वही सिंपल से मतलब कैसा बाकी के ऑप्शन ओ एक्स वाई जेड डैश सेम, फिर क्या ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, फिर क्या ओ एक्स वाई डैश जेड डैश और लास्ट में ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तीनों तो इस तरीके से इसके साइंस क्या हो जाएंगे, या तो जेड के ऊपर डैश है मतलब एक्स का प्लस पॉजिटिव साइड है, इसका पॉजिटिव साइड है, इसका निगेटिव साइड है, ठीक है, इसका निगेटिव इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, सॉरी उसके बाद ये पॉजिटिव निगेटिव एंड देन निगेटिव, इसका साइन एक्स डैश मतलब निगेटिव, वाई डैश मतलब निगेटिव और जेड डैश मतलब, तो ये टोटल आठ ऑप्शन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऑप्शन मतलब क्या टोटल स्पेस जो है वो आठ पार्ट में डिवाइड करने वाला है और ईच पार्ट इज सेड टू बी एन ऑप्शन, द टोटल स्पेस इज डिवाइडेड इन एट पार्ट्स एंड नाउ ईच पार्ट इज सेड टू बी एन ऑप्शन, तो ऑप्शन कैसे आ जाएंगे जेड एक्सिस पे अपन घूमेंगे, पहले शुरू पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस से कितने ऑप्शन मिलते हैं चार, और बाद में क्या नेगेटिव साइड ऑफ जेड मतलब क्या जेड डैश से अपने को चार ऑप्शन मिल गए, देखो इन पर फिर ऑप्शन की तुमको पोजिशन समझा रहे हैं, सबसे पहले ऑप्शन कैसे याद रखेंगे, पहला ऑप्शन अबाउट द जेड एक्सिस, पहले चार जेड एक्सिस के साथ फिर बाद में बाकी के चार ये नेगेटिव पार्ट ऑफ जेड मतलब जेड डैश के साथ, तो पहला ऑप्शन की सुनो, पहला ऑप्शन क्या ओ एक्स वाई जेड जेड सेम रहेगा, दूसरा ऑप्शन ओ अभी ओ एक्स वाई जेड लेने के बाद ओ एक्स वाई जेड ये पहला हो गया, अब क्या आएगा ओ इसका नेगेटिव पार्ट एक्स का नेगेटिव पार्ट मतलब क्या एक्स डैश, तो ओ एक्स डैश वाई जेड ये भी एक ऑप्शन हो गया, ठीक है, तो देखो ओ एक्स वाई जेड उसके बाद में ओ एक्स डैश वाई जेड, अब तो डैश को आगे लिखे दो डैश को आगे लिखे तो ये हो गया ओ एक्स एज इट इज, अब कौन सा तुम्हारे पास इधर का पार्ट वाई डैश वाई का पार्ट मतलब कौन सा दिस पार्ट ओ एक्स वाई डैश जेड, अभी होता ओ एक्स वाई डैश जेड और लास्ट में ओ दोनों का नेगेटिव पार्ट मतलब कौन सा ओ एक्स डैश वाई डैश जेड मतलब ये ओ यहाँ पे एक्स डैश आएगा यहाँ पे वाई डैश ये पार्ट भी जेड एक्सिस का ये पार्ट ओ एक्स डैश वाई डैश ये होगा पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस के पॉजिटिव होने की वजह से जेड इज सेम वन जेड इज सेम वन जेड इज सेम वन जेड इज सेम वन जेड इज सेम वन, फिर बदल रहा कौन एक्स वाई, पहले इसमें एक्स वाई जेड दूसरे इसमें नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स डैश वाई जेड, फिर बाद में क्या नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस मतलब वाई डैश जेड और बाद में क्या दोनों का इसका भी एक्स डैश एक्स का नेगेटिव मतलब एक्स डैश और वाई का नेगेटिव मतलब वाई डैश ये एक्स डैश ये ओ एक्स डैश वाई डैश जेड ये ऑप्शन, ठीक है, पहले चार ऑप्शन उसके बाद बाकी चार ऑप्शन इसके हिसाब से जाएंगे तो ये ओ एक्स वाई डैश जेड डैश और सिंपली ओ एक्स डैश वाई डैश
इसके साइंस से तुमको मालूम है, तीनों पॉजिटिव साइड है तो प्लस प्लस का, एक नेगेटिव साइड है x डैश, मतलब नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो यहां लेंगे माइनस प्लस प्लस, यहां पे प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस प्लस इज देयर, यहां पे प्लस प्लस माइनस, यहां पे माइनस प्लस माइनस, यहां पे प्लस माइनस माइनस, अगेन ये माइनस माइनस माइनस, बोलो दैट क्लियर? पक्का टाके समझ में? टेक्सटबुक में जो भी है तुमको ऐसा नहीं कुछ ही फील्ड में छोड़ रहे हो, एक्चुअली आउटलाइन की कोई जरूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं होना कि सर ने इसको छोड़ के आगे चले गए, बिल्कुल नहीं, हर पॉइंट तुमको समझा के बताना ये क्या है क्या है बोलते, ठीक है? तो ये ऑक्टेंट्स है, ऑक्टेंट मतलब क्या, टोटल स्पेस को अपन आठ पार्ट में डिवाइड करें तो आठ पार्ट को, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं अपन ऑक्टेंट, तो ये ऑक्टेंट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करें, जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड के हिसाब से ले लें और बाद में जेड एक्सिस के नेगेटिव साइड में, तो जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड में ऐसे चार ऑक्टेंट आ गए, और उसी तरीके से जेड डैश मतलब नेगेटिव पार्ट, जेड डैश जेड डैश जेड डैश, इसके अलाउंड भी नीचे की चार आ गए, तो टोटल कितने ऑक्टेंट मिले यहाँ पे, टोटल एट ऑक्टेंट आ गए, बोल इज दैट क्लियर? यस इज दैट क्लियर? आगे फ्रॉम जल्दी तो अपन आगे, यस यू कैन मैसेज मी जल्दी, यस ओके चलो फिर आगे, तो आगे जाएंगे, आगे तो बारे में चर्चा करेंगे, ये हो गया तो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइटल, द नेक्स्ट टाइटल इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, इसका कुछ खास बात नहीं, ये तो सिंपल वीड है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या देखेंगे, देखेंगे कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में क्या है, जैसे आपने पिछले बार कंसेप्ट देखे थे कि अब यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशन में होता है, ये ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस, जैसे कि हमको मालूम है ये थ्री यूनिट वेक्टर्स है, ये थ्री यूनिट वेक्टर्स आर अलोंग द along the coordinate axis, basically for example unit vector I is acting along coordinate axis x, it is I cap, it is j cap, it is k cap. So component of vector matlab kya ki jo bhi magnitude denga tumko along x axis kuch magnitude hai usko apan unit vector mil sakte, along y axis kuch magnitude hai apan j mil sakte, aur along z axis kuch magnitude mujhe aata hai apan जीरो और यहाँ पे एक पॉइंट लिया अपन ने सी जीरो कॉमा जीरो कॉमा वन, जैसे यहाँ पे क्या है के कैप, ये क्या है जे कैप, और यहाँ पे कौन सा वेक्टर एक्टिंग एलोंग है, इसके तुम लेंथ निकालेंगे, ओए की लेंथ कितनी निकालेंगे, ओए की लेंथ कितनी मिलेंगे होगी वन, है ना, वन माइनस जीरो वन, जीरो माइनस जीरो क्या जीरो माइनस जीरो क्या, लेंथ ऑफ ओए, मैग्नेट ऑफ ओए इज इक्वल टू मैग्नेट ऑफ ओ बी, इसका भी मैग्नेट कितना मिलना है वन, मैग्नेट ऑफ ओ सी थ्री डायमेंशनल स्पेस में भी जो कंसेप्ट अपन टू डायमेंशन में देखने वाला है वही सेम कंसेप्ट थ्री डायमेंशन में,
तीन एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो तीनों एक्सिस के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर करेगा? यूनिट वेक्टर आई कैप, यूनिट वेक्टर जे कैप, यूनिट वेक्टर टी कैप। तो एक्स एक्सिस पे अगर से कोई पॉइंट है जैसे कि चार, तो हम उसको कैसे लिखेंगे वेक्टर की भाषा में? अलोंग द यूनिट वेक्टर की भाषा में लिखेंगे। मतलब कैसा, ये एक्स एक्सिस क्या अलोंग है, तो एक्स एक्सिस पे मतलब यूनिट वेक्टर कौन सा रहता है? आई। और डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है? फोर। तो वो कितना मिला? फोर आई कैप। उसी तरीके से समझो माइनस तीन तुमको दिखा वाई एक्सिस पे माइनस तीन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला माइनस तीन जे कैप, तुम्हारे समझ आ ये स्पेस में कहाँ प्रेजेंट है? माइनस तीन जे कैप, माइनस तीन जे कैप एक्चुअल ये स्पेस में प्रेजेंट है। जे कैप मतलब ये कहाँ पे आ गया? वाई एक्सिस पे। मगर माइनस थ्री मतलब इसका मतलब क्या है? नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, मतलब ये एक्चुअल ये पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? ये वाई डैश पे प्रेजेंट है। ये अगर से वाई है तो ये क्या है? वाई डैश। अब कितने दूरी पे? ओरिजिन से माइनस तीन की दूरी पे, ये होगा माइनस तीन जे कैप। उसके बाद मैंने बोला तुमको बोला फाइव के कैप, तो तुम्हारे फोन में रहेगा कि ये पॉइंट ये जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ जेड एक्सिस। कितने दूरी पे? पाँच। तो ये होगा पाँच से फाइव के। तो ये बता रहा कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर्स में कि यहाँ पे हर एक्सिस के साथ एक यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड है। एक्सिस के साथ आई है, वाई एक्सिस के साथ जे यूनिट वेक्टर है, और जेड एक्सिस के साथ के यूनिट वेक्टर है। तो अपन वो देखने के साथ अपन बोल सकते हैं कि एक्चुअल पॉइंट कौन से एक्सिस पे प्रेजेंट है। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। अब वो लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर और लास्ट थ्योरम और लास्ट थ्री बिट ऑफ दैट वन, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये पूरे बिट डबल से रिपीट है जो कि अपन ने ले लिया वाले हैं। ठीक है, रिवाइज फुल भी लिया वाला है, बाकी जो बिट है। तो अब हम लास्ट तो थ्री बिट देखेंगे सर, थ्योरम नंबर फोर है ना। और उसके बाद हमने जितने थ्योरम देखने वाला है वन टू थ्री उस सब क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। फिर उसके बाद एक्सरसाइज थ्योरम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है, थोड़ा थोड़ा सा बोर होता है मगर आ जाएंगे तुम्हारे को समझ में। ठीक है, चलो थ्योरम नंबर फोर देखेंगे, लास्ट थ्योरम ऑफ दिस बिफोर एक्सरसाइज वन, लास्ट थ्योरम बिफोर एक्सरसाइज वन। तो टोटल हमने कितने थ्योरम देखे? तीन। और ये अभी कौन सा थ्योरम है? थ्योरम नंबर चार। सो फर्स्ट वी राइट द स्टेटमेंट ऑफ दैट वन, थ्योरम नंबर फोर। तो व्हाट इज द स्टेटमेंट हियर? यू नो स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर। If A bar, B bar, C bar are, if A bar, B bar, C bar are three, non-co-parallel vectors, are three non-co-parallel vectors, comma, then any vector R bar, any vector R bar in the space, any vector R bar in the space can be uniquely, if R bar zero, then any vector R bar in the space can be uniquely expressed as a linear combination of and a linear combination of A bar, B bar. So both the simple theorem. What is the statement of theorem? वेरी सिंपल स्टेटमेंट समझ में आया तो नॉन प्रूफ समझिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट, कोई तीन वेक्टर्स कैसे हैं? नॉन कोप्लैनर है। नॉन कोप्लैनर मतलब दे डोंट लाइक इन सेम प्लेन, सिर्फ पैरेलल पे। ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में नहीं है, मतलब अलग अलग प्लेन में, थ्री डायमेंशन में अलग अलग प्लेन। मतलब कोई अगर से एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा वाई जेड प्लेन में है, तीसरा जेड एक्स प्लेन में। तो ये तीनों वेक्टर अलग अलग प्लेन में, एक एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड प्लेन में और एक जेड एक्स प्लेन में। तीन अलग अलग इसमें नॉन कोप्लैनर होंगे। तो क्या होगा? देन एनी वेक्टर आर बार, कोई वेक्टर आर बार अगर से स्पेस में है, इन द स्पेस, देन इट कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार, बी बार, सी बार। मतलब हमको क्या लिखना चाहिए?